हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड है। सो लॉकडाउन अब खुलने वाला है। सो बहुत लोगों को इस बात का टेंशन है, वो कहीं ना कहीं सच भी है, होना भी चाहिए। सो बहुत लोग ऐसे टेंशन में हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर हम सैलून में जाएंगे तो सैलून में पता नहीं सेफ्टी रहेगा या नहीं रहेगा। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, बहुत ऐसे कंट्रीज़ है जिसमें ये सैलून से काफ़ी ज़्यादा कोविड फैला है। सो आज मैं कुछ आप लोगों से सेफ्टी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने सैलून में क्या क्या सेफ्टी मेजर रखने वाली हूँ ये सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप सैलून बिजनेस से रिलेटेड है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रूल्स को फॉलो करें, इससे आप भी कोविड से बचेंगे और आपके क्लाइंट्स भी बचेंगे। सो मैंने अपने सैलून के लिए 10 सेफ्टी मेजर बनाए हैं, 10 रूल्स बनाए हैं एक्चुअली। मैं वन बाय वन करके आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहला रूल्स हमारा ये रहने वाला है कि हम दिन में 2 बार अपने सैलून को सैनिटाइज करने वाले हैं। दूसरा सेफ्टी मेजर हमारा ये रहने वाला है कि हम जो भी क्लाइंट आता है हमारे पास, उस पे जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे पहले, यूज़ करने से पहले हम सैनिटाइज करें, उसको यूज़ करने के बाद हम उसको सैनिटाइज करें। तीसरा हमारा ये रहने वाला है कि हम अपने सैलून में हमारे जितने स्टाफ है, इवन मैं भी, हम सब ग्लव्स और मास्क दोनों पहन के काम करने वाले हैं। और चौथा जो है वो हम अपने सैलून के बाहर नोटिस रखने वाले हैं कि प्लीज़ ग्लव्स पहन के आए अपने हमारे सैलून के अंदर। और जो पांचवा रहने वाला है वो ये है कि हम अपने सैलून में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर रखने वाले हैं, हम खुद के लिए भी रखने वाले हैं, स्टाफ के लिए भी, देन जो क्लाइंट आ रहा है उसके लिए भी वो सैनिटाइज करके अंदर आएगा सैलून में, देन सैनिटाइज करके बाहर जाएगा वो। जो हमारा छठवां जो रूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत कंफ्यूज है कि हम सैलून में जाएंगे तो थ्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि थ्रेड को हम मुंह में धागा लेके करते हैं। सो मैं बता दूं कि मैंने दूसरा टेक्निक डेवलप किया है। हम थ्रेड को मुंह में नहीं रखने वाले हैं, अगर हम मुंह में रखते हैं तो काफ़ी इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इवन स्टाफ को फैल सकता है, मुझे फैल सकता है, देन क्लाइंट पे भी आ सकता है वो। सो हमने दूसरा टेक्निक डेवलप किया है, वो मैं आपसे दूसरे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं इसे शेयर करती हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। जो सातवां जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लाइंट जो है वो अपॉइंटमेंट लेके ही आएगा, विदाउट अपॉइंटमेंट हम अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोविड का जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, क्राउड कलेक्ट ना करना, तो क्राउड से बचना है हमें, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। देन आठवां जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपना एप्रॉन, टावल या फिर कुछ भी जो उसको वेयर करना है वो खुद अपने घर से भी लेके आ सकता है। देन हम सैलून में भी जो यूज़ करने वाले हैं वो भी डिस्पोजेबल यूज़ करने वाले हैं, एक यूज़ के बाद हम उससे दोबारा किसी क्लाइंट पे नहीं। हमारा जो नौवा टॉपिक है वो ये है कि हमारे कोई भी क्लाइंट को सर्दी जुकाम ना हो, हम जिनको सर्दी जुकाम होगा या फीवर होगा हम उनको अलाउड नहीं करेंगे, इवन मैं अपने स्टाफ को भी अलाउड नहीं करूंगी अगर उनको सर्दी जुकाम हुआ। और दसवां जो हमारा टॉपिक ये है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे कि वो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ ना हो, और सैलून को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपने जितने कम एरिया को हम कवर कर पाए हम उतने कम एरिया में ही काम करेंगे, कुछ ज़्यादा एरिया को हम कवर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एरिया में हमें काम नहीं करना है। जैसे मेरे सैलून में दो दो रूम है तो मैं ट्राई करूँगी कि एक रूम में ही सारा काम हो जाए, दूसरा रूम यूज़ ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हम उतना ज़्यादा हमारे लिए रिस्क भी है। सो दसवां हमारा टॉपिक यही था। सो कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और जो भी इस सैलून बिजनेस से रिलेटेड मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो अपने सैलून में इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, इन सब बातों का ध्यान रखे और सेफ्टी मेजर लेके चले। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने और देखने के लिए। सो प्लीज़ मैं इतना ही करूँगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, आपको कोई क्वेरी हो तो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।